जब ट्रेलर आया था इस मूवी का, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आया था और इससे मैंने काफी ज्यादा उम्मीदें भी लगा ली थी, लेकिन जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्विस्टर्स मूवी के बारे में। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास है। अब मूवी हमें कितना ज्यादा डिसअपॉइंट करती है, क्या क्या इसके अंदर कमियां रह जाती है, इस पर जाने से पहले इसकी कहानी की हम चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका में ओक्लाहोमा करके एक ऐसी जगह है जहां पर टोर्नेडो आते हैं, तूफान आते हैं, मतलब वहां की कंडीशन ऐसी है कि टोर्नेडो के लिए अनुकूल है, लो प्रेशर बन जाता है, फिर हवाएं वहां पर आती है। खैर हम यहाँ ज्योग्राफी पढ़ने तो नहीं बैठे हैं। तो वहां पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर टोर्नेडो आते हैं, वहां के जो लोग हैं उनकी जान माल को बहुत ज्यादा हानि होती है, क्षति होती है, नुकसान होता है। तो इसको रोकने के लिए एक लड़की जिसका नाम केट है वो एक्सपेरिमेंट करती है कि वहां पर जो टोर्नेडो आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, टोर्नेडो को कैसे खत्म किया जाए, इसके लेकर उस वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। तो क्या वो अपने इस प्लान के अंदर, क्या अपने वो एक्सपेरिमेंट के अंदर कामयाब हो पाती है, नहीं हो पाती है, इसके लिए तो देखो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो ये होगी इस मूवी की कहानी, बस यही है कि टोर्नेडो आए हैं उनको कैसे रोका जाए। इसके अलावा हम बात करते हैं इस मूवी में हमें क्या अच्छा लगा, जो हमें ये मूवी देखनी चाहिए, जो इसके CGI हैं या फिर आप इसको ग्राफिक्स कह लो, VFX कह लो, जो भी आप इसको कहो, वो काफी ज्यादा बढ़िया लगे। इसके अलावा मूवी में आप केवल टोर्नेडो ही नहीं देखेंगे कि आपको टोर्नेडो बार बार दिखाए जा रहे हैं, इसमें स्टोरी डेवलपमेंट भी की गई है, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी की गई है जो काफी ज्यादा बढ़िया है। जैसे कि केट है, उसका एक पास्ट है जिससे वो उभर नहीं पा रही है, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो चुकी थी कि वो उसके अंदर अभी भी खौफ है टोर्नेडो को लेकर, वो उसे बाहर नहीं निकल पा रही है। फिर वो एक टाइलर जो एक करेक्टर है उसके साथ मिलकर कैसे अपने सपने को पूरा करती है, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं जो मूवी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। इसके अलावा जो कैसे ग्रीडी यानी कैसे लालची जो लोग हैं, लोगों का नुकसान हुआ है उसका फायदा उठाकर अपना मुनाफा कमा रहे हैं, ये सब चीजें एक्स्ट्रा दिखाई जाती है, तो डेफिनेटली मूवी हमें इंटरेस्टिंग लगती है। जो एक टाइलर करेक्टर है वो काफी ज्यादा मजेदार है, एंटरटेनिंग है, जब जब ये स्क्रीन पे आता है आपका इंटरेस्टिंग लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो इसकी हरकतें होती हैं वो डेफिनेटली आपको इंजॉय कराएंगी, आप उसको देखकर हंसेंगे भी, क्योंकि बहुत बढ़िया एक जिंदा दिल करेक्टर मुझे लगा। और कुछ कुछ सीन मूवी के काफी ज्यादा बढ़िया है। अब सोचोगे यार कुछ कुछ सीन ही बढ़िया है, बाकी के क्या सीन बढ़िया नहीं है मूवी के अंदर? हाँ, उसकी हम बात करते हैं जो इस मूवी के अंदर कमी है उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओक्लाहोमा जो जगह दिखाई गई है अमेरिका के अंदर जहां पर टोर्नेडो बार बार आ रहे हैं, उसकी वार्निंग आ रही है बार बार, तो वहां के जो लोग हैं, मतलब कि जो अमेरिका में जो लोग हैं, पूरे देश को पता है कि ओक्लाहोमा में टोर्नेडो आते हैं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर आते हैं, और जो ओक्लाहोमा में लोग जा भी रहे हैं टोर्नेडो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने, वहां के लोगों को भी पता है, लेकिन ओक्लाहोमा में जो रह रहे लोग हैं उनको नहीं पता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं वो बनी हुई हैं, और वहां पर काफी सारी मात्रा के अंदर मॉल हैं, घर हैं, इतनी संख्या के अंदर बने हुए हैं। तो एक ऐसी जगह है जहां पर टोर्नेडो आ रहे हैं तो वहां पर कौन इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा? मतलब चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि हमें ये सब चीजें दिखाई गई हैं, इसको इग्नोर भी कर देते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, भी फैक्ट्री है वहां पर आग लग रही है, टोर्नेडो आएगा तो एक अलग तरीके का माहौल होगा, मान लो चलो वहां पर एक ये सब चीजें हो भी गई, इसे इग्नोर भी कर देते हैं। इसके अलावा भी मूवी के अंदर काफी सारे लूप होल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि टोर्नेडो के बारे में सही से दिखाना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना कि वो कैसे बना, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, ये सब चीजें देखने में इंटरेस्टिंग आता, लेकिन वो सब चीजें नहीं है। और देखो मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो किसी हॉरर मूवी आपने देखा होगा कि भूत प्रेत से किसी को डर लगता है, लेकिन मुझे उससे नहीं लगता है, मुझे वो ठीक ठाक ही लगती है। इतना मैं आज तक शायद किसी मूवी में कोई भूत वाली मूवी जिससे मैं डरा, लेकिन जो एक्चुअल जो मुझे डर लगता है वो टोर्नेडो या अर्थक्वेक हो गए उनसे डर लगता है। हालांकि भारत के अंदर टोर्नेडो आते नहीं है, कभी देखे नहीं है, बावजूद इसके की भी फिर भी टोर्नेडो से डर लगता है, वो इसलिए क्योंकि एक मुझे खराब वेदर होता है, जब बादल छा जाते हैं काली, मतलब एक तरीके से जो धूप होती है वो एकदम ढक जाती है, अंधेरा छा जाता है, तो उस वेदर से मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। तो एक मेरा ऑब्वियसली एक डर इस चीज के अंदर था, एक वेदर के अंदर जो डर था, उस तरीके की मूवी देख रहा हूँ, टोर्नेडो आ रहा है, तूफान आ रहे हैं, तो वहां की एक उम्मीद की थी कि यार इस मूवी में एक हॉरर जो होगा वो नेक्स्ट लेवल शायद मुझे देखने को मिलेगा, वो सब चीजें नहीं है। सोचा था कि इसके अंदर जबरदस्त लेवल के टोर्नेडो देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो सब चीजें ना होकर लोग इसके अंदर टोर्नेडो के अंदर जाकर पटाखे फोड़ रहे हैं। वैसे पटाखे फोड़ने वाला पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो जो एक रियल हॉरर था वो मिसिंग लगा मुझे इस मूवी के अंदर। इसके अलावा जो एक सस्पेंस एक सरप्राइज होता है इस मूवी में, कि होता है ना कि तूफान से आने की पहले की शांति, जो डेफिनेटली एक काफी ज्यादा एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जहां पर एक डर लगना लग जाता है, वो सब चीजें नहीं है इसके अंदर। जैसे मैंने कहा कि स्टोरी डेवलपमेंट की गई है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बनता है। स्टार्टिंग में मूवी काफी ज्यादा एक खौफ दिखाया जाता है उसके अंदर कि हाँ यार वाकई में काफी बढ़िया जाने वाली है, स्टार्टिंग तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करनी स्टार्ट हो जाती है मूवी के। हाँ बढ़िया है मूवी, उसके CGI के पर्सपेक्टिव से बात करूं, ऊपर से जो एक व्यू जो दिखाया जाता है टोर्नेडो का वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो देखो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5/10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं
देखी है तो हाँ डेफिनेटली वन टाइम आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 1996 के अंदर एक टोर्नेडो ट्विस्टर करके एक और मूवी आई थी, काफी सारे जो मैंने रिव्यू पढ़े आईएमडीबी के ऊपर लोग उससे भी कंपेयर कर रहे थे, वैसे मैंने उसको नहीं देखा। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करके वो भी बताना कि वो कैसी मूवी है। अगर आपके रिव्यू मतलब मुझे पसंद आए कि भाई कमेंट में आपने सही से बताया कि वो बढ़िया, डेफिनेटली उसको ट्राई करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।